हेलो फ्रेंड्स, 3 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, ट्रंप प्लान पुल्स यूएस आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, हिट्स आउट एट चाइना इंडिया। तो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। इन्होंने डिसाइड किया है कि यूएसए अब पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का पार्ट नहीं रहेगी। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हमने डिटेल में कल डिस्कस किया था, हमने ये न्यूज भी डिस्कस की थी। तो जो एक अप्रिहेंशन था, डर था पूरी दुनिया को कि यूएस शायद इस अग्रीमेंट से बाहर आ जाए, तो ये हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इमीडिएटली हम ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो अब ये रीजन क्या दिया गया इसके लिए कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन एक की पार्ट है, हमने कल भी डिस्कस किया। डिफ्रेंसिएशन इज इनहेरेंट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में है। डिफ्रेंसिएशन किसके बीच में अंतर किया जाता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो क्या अंतर है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्होंने ऑलरेडी कार्बन एमिशन इतने कर दिए है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज की जाती है तो कार्बन एमिशन हो गए। तो कार्बन एमिशन जो है वो इतना हो चुका है बाय दी डेवलप्ड कंट्रीज दैट अब उनका वो पीक हो चुका है, अब वो स्टेबिलाइज हो गए। तो अब वो डेवलप्ड स्टेज पे पहुंच के उनके एमिशन इतने नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के एमिशन अब बढ़ते जा रहे हैं। तो वो और कोल प्लांट्स भी सेटअप करेंगे, वो और डेवलपमेंट करेंगे, तो उनको पीक होने को टाइम लगेगा। तो वो प्रोविजन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में दिया गया है कि आप उनका डेवलपमेंट तो स्टॉप नहीं कर सकते। डेवलप्ड कंट्रीज पहले ही डेवलप हो चुकी है, ये डेवलपिंग है, अब डेवलप होगी तो उनके ऊपर। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे अभी के टाइम में वो कंपेयर कर रहे हैं कि अब चाइना को अलाउ किया जा रहा है कि आप कोल प्लांट्स बनाओ ना और लगाओ, यूएसए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाया जा रहा है, इंडिया को अलाउ किया जा रहा है कि आप कोल प्रोडक्शन डबल भी कर सकते हैं बाय 2020, बट यूएसए नहीं कर सकती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन, उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर रीजनिंग क्या है वो उसको नहीं मानते। और दूसरा है कि वो कहते हैं कि इवन जो क्लाइमेट चेंज है उसका मेजर, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हुए हैं, उनका मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने इतने कार्बन एमिशंस किए जिसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। तो प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग के मेजर रिस्पॉन्सिबल वो है, तो उनको अभी फंडिंग देना चाहिए टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये फंडिंग इसीलिए देना चाहिए ताकि क्लीन टेक्नोलॉजीज ये भी अडॉप्ट कर सके, इवन फंडिंग भी देना चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना चाहिए ताकि क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज करके ये अपने कार्बन एमिशंस कंट्रोल कर सके। वो भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अमेरिकन वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट जो आपने किया है उसका भुगतान है ये। तो वो पॉइंट्स को नहीं हाईलाइट किया जाता है। प्लस वो कह रहे हैं कि ऐसे जॉब लॉस होगा, इकोनॉमी को लॉस होगा। हालांकि इट वाज यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, तो उन्होंने ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को भी रेटिफाई किया था। तो उनका ये मानना था, तभी उन्होंने जो रीजन दिया था कि इसकी वजह से अमेरिका में और जॉब ग्रोथ होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। तो वो कैसे होगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी तो ये नवा एवेन्यू है, नई नई चीज है, तो इसके अंदर और डेवलपमेंट का स्कोप है। तो इसके लिए इधर जॉब क्रिएशन भी काफी ज्यादा होगा और इकोनॉमी के लिए भी काफी बूस्ट होगा ये। तो वो कह रहे थे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इवन सोलार, विंड एनर्जी एक्सेट्रा, क्लीन टेक्नोलॉजीज, इससे बेनिफिट होता है। तो ये है, तो यहाँ पे वही पॉइंट्स है। तो अब ऑप्ट आउट तो कर दिया है फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, तो वही है। इवन कंट्रीब्यूशन जो किया जाता है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड को कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ऑलरेडी $1 बिलियन इसको ट्रांसफर कर दिया है, कमिटमेंट था $3 बिलियन का। तो अब वही ऑफकोर्स वो अपना कमिटमेंट फुलफिल तो करेगा नहीं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑप्ट आउट किया। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड भी UNFCCC के अंदर है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये UNFCCC के अंदर बनाया गया इन 2010, और ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी UNFCCC के अंदर ही है, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। तो ये है, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड एक फंडिंग है जिससे ये क्लीन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जाएगी और फंड किया जाएगा फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड विल बी द मेजर सोर्स ऑफ फंड अंडर पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट में ये प्रोविजन है कि बाय 2020 हर साल डेवलप्ड कंट्रीज को एटलीस्ट $100 बिलियन प्रोवाइड करना होगा फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। तो वही है, ये $100 बिलियन कहाँ से आएंगे, तो मेजरली ग्रीन क्लाइमेट फंड ही इसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये दिया गया है। तो कार्बन एमिशंस के आप देखो, अगर परसेंटेज शेयर ऑफ कार्बन एमिशंस, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है वो चाइना के, सेकेंड यूएसए आता है और थर्ड इंडिया।
लेकिन आप इंडिया इज डिस्टेंट थर्ड, मतलब काफी कम है उनके, क्योंकि चाइना का जितना है यूएसए का उसका हाफ है, बट इंडिया का यूएसए का हाफ मतलब बहुत कम है। तो ये वैसा जो है, तो फोर्थ चाइना रशिया है एंड फिफ्थ जापान। तो दो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हमारा ज्यादा होगा, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन, क्योंकि नंबर ज्यादा है तो हमारा पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से अगर पर कैपिटा एमिशंस देखे जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, तो इंडिया का वो काफी कम है फिर। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हमारा थर्ड रैंक आता है। और ये दिया गया है रिगार्डिंग द एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और टाइम स्केल। तो ये जो मेजर ग्लेशियल इवेंट्स हुए हैं, लास्ट आइस एज हुआ था, तो ये क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पीक होते हैं। तो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो काफी ज्यादा है, एज ऑफ अप्रैल 2017 ये बहुत ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट हिस्टोरिक एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से भी ये काफी इंक्रीज हो गया है। तो इसीलिए इसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक, मतलब वो ये नहीं मानते कि क्लाइमेट चेंज मैन मेड फिनोमिना की वजह से होता है, वो कहते ये तो नेचुरल फिनोमिना होता ही है, तो वो भी उनका मानना होता है ऐसे। हालांकि देयर इज साइंटिफिक प्रूफ एंड एविडेंस कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का अगेन वैल्यूज दी गई है। तो चाइना, यूएस, थर्ड इंडिया है, पर ईयू ओवरऑल कम्स थर्ड अदरवाइज यूरोपियन यूनियन, और ये सारे जो इम्पोर्टेंट मेजर नेशंस दिए गए हैं उनके अलावा बाकी जो एमिशंस है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एमिशन सिर्फ 7.67% है। फिर ये ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में दिया गया है, तो 2010 में यूएनएफसीसी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टिंग एंड मिटिगेटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब वो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए आप नए टेक्नोलॉजीज लो और नए प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, उसके लिए इनको फंडिंग दी जाती है, तो उस डेवलपिंग कंट्रीज को। तो उसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टेब्लिश किया गया 2010 में, ये बेस्ड है इन इंचियन साउथ कोरिया। तो इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी है, तो ये 100 बिलियन डॉलर्स आने हैं बाय 2020 एवरी ईयर अंडर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो इसके लिए वही है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये फंडिंग सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो फंडिंग होगा, कि इवन प्राइवेट सेक्टर लिवरेज फंडिंग जो होगा उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा 100 बिलियन डॉलर्स में, तो वो अभी क्लियर नहीं है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होगा अब। फिर अगला न्यूज आइटम है, ओडिशा में गिव लेसन्स इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो अब ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट लेसन्स प्रोवाइड करेगी टू पैसिफिक आइलैंड नेशंस। तो ये अराउंड 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस है जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी हिट करते हैं, और ओडिशा में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो ये ओडिशा कोस्ट पे जो साइक्लोन्स हुए हैं, 1999 में जो सुपर साइक्लोन हुआ था उसमें 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी। तो अभी जो 2013 में साइक्लोन फाइलिन आया था उसके अंदर कैजुअलिटी सिर्फ 21 थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो स्टेप्स लिए है तो उसको उसको हाईलाइट किया गया है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उनको अप्रोच किया है कि वो ट्रेनिंग दे ये सारे 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस को रिगार्डिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस। तो अब ये स्टेप्स लिए जाएंगे। तो क्या स्टेप्स लिए गए बाय ओडिशा गवर्नमेंट वो हाईलाइटेड है। तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ माइक्रो लेवल प्लानिंग नहीं करते, हम मैक्रो लेवल प्लानिंग नहीं करते, हमारा माइक्रो लेवल प्रिपेयरनेस भी होता है, मतलब ओवरऑल प्लानिंग तो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, बट एट ग्रास रूट लेवल टू, तो इवन एट विलेज लेवल एक्सेट्रा, प्रेग्नेंट वुमेन कौन है, डिसेबल्ड पॉपुलेशन कौन है, एल्डरली चिल्ड्रन, ये मेजरली अफेक्ट होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो उनकी लिस्ट रेडी होती है ताकि उनका इवैक्यूएशन जल्द से जल्द हो सके। इवन हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट रेगुलेट किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन, तो इससे कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जाता है। इवन विलेज लेवल वर्कर्स को ट्रेन किया गया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टर्म होता है इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये वो लोग होते हैं जो इमीडिएटली वहां साइट पे प्रेजेंट होके वो स्टेप्स ले सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आता है तो उनको पता होना चाहिए पहले तो कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को भी ट्रेन किया गया है, तो उससे डिजास्टर इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। प्लस डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स भी जो एस्टेब्लिश की गई है वो भी क्विक पहुंचने के लिए कैपेबिलिटीज रखती है। एंड फाइनली ओडिशा गवर्नमेंट ने अपना एजेंडा रखा है, उन्होंने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ मिशन जीरो कैजुअलिटीज, मतलब कैजुअलिटी मतलब डेथ। तो डिजास्टर्स में कोई भी टाइप का डिजास्टर उसमें कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, तो ये टारगेट करके वो अपना डिजास्टर प्रिपेयरनेस डेवलप किए। फिर अगला न्यूज आइटम है, पृथ्वी 2 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर। तो ये पृथ्वी 2
न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका रेंज है 350 किलोमीटर का। इट कैन कैरी वॉरहेड ऑफ 500 केजी टू 1000 केजी। तो ये पृथ्वी टू मिसाइल का यूजर ट्रायल किया गया। इसको ऑलरेडी इंडक्ट कर दिया गया है इंडियन आर्मी में, 2003 से है ये, पर अब इसका यूजर ट्रायल किया आर्म फोर्सेज ने, मतलब कि एक रैंडमली सिलेक्ट की गई प्रोडक्शन स्टॉक में से एक पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी टू मिसाइल, और उसका पूरा लॉन्च कैरी किया गया बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड स्पेशली एस्टेब्लिश किया गया है फॉर न्यूक्लियर लॉन्चेस एज सच। तो ये इनको कमांड दिया जाता है फ्रॉम न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड 2003 में बनाया गया था, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो सिविलियन साइड है तो वो उनको ऑर्डर देगी और उसको एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करेगी। तो ये ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का इसमें रिप्रेजेंटेशन है। तो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है इसका भी एग्जीक्यूटिव साइड है और पॉलिटिकल साइड है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चेयर है जो एडवाइस करते हैं एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल काउंसिल को, जिनके चेयर है प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों 2003 में एस्टेब्लिश किए गए और इन्होंने ये कैरी किया। अभी का ये न्यूक्लियर केपेबल यूजर ट्रायल कैरी किया जाएगा और ये कैरी किया गया विद सक्सेस। तो ये सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हुई थी। तो ये है फिर ये रिगार्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, एडवांस इनिशियल गाइडेड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है। तो ये गाइडेड मिसाइल्स होती है इन द इनिशियल स्टेज। तो जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो ये इनिशियल स्टेज गाइडेड होती है एंड देन इट गोज थ्रू इट्स नेचुरल ट्रेजेक्ट्री। तो ये बैलिस्टिक पाथ कहा जाता है, मतलब जब आप एक बॉल भी फेंकोगे ऐसे एक एंगल पे तो वो ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे ही आएगा। तो वो नेचुरल पाथ होता है अंडर ग्रेविटी। तो ये वैसे ही ये भी मिसाइल फंक्शन करेगी। तो ये अनगाइडेड फेज होता है, इसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। जो ये अपना ये जो कर्व है इसको बैलिस्टिक कहा जाता है। तो ये है, तो ये स्टैटिक टारगेट्स को ही लॉन्च की जाती है, टारगेट स्टैटिक को उनको ये टारगेट करते हुए लॉन्च की जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है आर्मी टू इंडक्ट 18 धनुष आर्टिलरी गन्स दिस ईयर। तो ये धनुष आर्टिलरी गन्स हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, दे आर अराउंड 80% इंडिजीनियस। तो ये गन्स को हमने जो है ये बोफोर्स गन्स जो थे स्वीडन से उनके ऊपर डिजाइन किया है उनके बेसिस पे। तो ये एडवांस्ड है, उनसे अपग्रेडेड वर्जन है। उनका रेंज था, बोफोर्स गन्स का रेंज था 27 किलोमीटर, इसका रेंज है 40 किलोमीटर। तो अब इसका फर्स्ट रेजिमेंट 18 धनुष गन्स को अभी इंडक्ट किया जाएगा आर्म फोर्सेज में बाय एंड ऑफ 2017। तो इनिशियल ऑर्डर 114 गन्स का है ये धनुष आर्टिलरी गन्स का। तो ये बोफोर्स गन्स जब प्रोक्योर किए गए थे इन 1980s, मिड 1980s, तब काफी स्कैंडल हो गया था, बोफोर्स स्कैंडल जो कहा जाता है। तो इसके अंदर ये एलिजेशन है कि किकबैक्स दिए गए। तो जब ये डील की गई, डिफेंस डील की गई, तो काफी सारा किकबैक, मतलब करप्शन, ब्राइब मनी पे किया गया टू द अथॉरिटीज, गवर्नमेंट इन पावर। तो वही यहाँ पे वो बोफोर्स स्कैंडल था जिसकी वजह से गन्स हमारे पास नहीं रही, वो पूरा स्कैंडल में चला गया। तो धनुष आर्टिलरी गन्स अब हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया। फिर अगला है इसरो अब्बास ओवर हेवी लिफ्ट रॉकेट लॉन्च ऑन June 5। तो ये है GSLV Mark 3। तो ये GSLV Mark 3 इसरो ने डेवलप किया है, विच हैज द केपेबिलिटी टू कैरी 4 टन सैटेलाइट इन ऑर्बिट। तो ये 4 टन मतलब 4000 केजी, तो 4000 केजी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए इसका फर्स्ट मेडन लॉन्च किया जाएगा ये June 5 को। तो ये अगर सक्सेसफुल रहा तो इंडिया विल एंटर इन द एलीट कैटेगरी। 5 एंटिटीज है जिनके पास ये केपेबिलिटीज है कि 4 टन सैटेलाइट वो ऑर्बिट में डाल सके, वो है US, रशिया, चाइना, जापान और यूरोप। तो ये इंडिया 6th नेशन बन जाएगी। हमारा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 लॉन्च किया जा रहा है जिसका वेट है 3136 kgs। तो ये 4 टन से थोड़ा कम रखा गया है टू बी ऑन द सेफर साइड। तो ये है, पहले जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे वो हम लॉन्च करवाते थे थ्रू यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो अरायन रॉकेट इनको लॉन्च करती थी फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। तो अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारे पास कैपेबिलिटीज आ जाएगी कि हम जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में भी हैवी सैटेलाइट्स डाल सकते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट्स में भी। तो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स होते हैं 36,000 किलोमीटर पे जो ऑर्बिट है, तो हम देखेंगे ये दो ऑर्बिट्स के बारे में। लो अर्थ ऑर्बिट इट इज एट अराउंड अप टू 800 किलोमीटर। तो ये है, तो ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट भी देख लेते। ये श्रीहरिकोटा पे जो लॉन्च पैड है वहां पे ये GSLV Mark 3 को ले जाया जा रहा है, जहां से लॉन्च किया जाएगा। और ये ट्रांसफर ऑर्बिट है, तो जब
सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना होता है तो ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एट अ रेंज ऑफ एट अ हाइट ऑफ 36,000 अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है। पर अगर अर्थ से डायरेक्टली अगर सैटेलाइट को ये यहाँ पे डालना है इस ऑर्बिट में तो उसके लिए काफी ज्यादा नो थ्रस्ट वगैरह चाहिएगा, थ्रस्ट एंड एनर्जी। तो इसको इजी करने के लिए पहले सैटेलाइट को ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला जाता है, मतलब ये सैटेलाइट यहाँ से इस ऑर्बिट में मूव करती है। तो ये ऑर्बिट में जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उसके बाद उनको एक थ्रस्ट दे के इस ऑर्बिट में डाल दिया जाता है, तो शिफ्ट किया जाता है, आप देखते हैं प्लेनर शिफ्ट किया जाता है और ये ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो दिस बिकम्स क्वाइट इजी, तो इसलिए पहले जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। तो ये दिया गया अबाउट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया हैज 31% ऑफ वर्ल्ड्स पुअर किड्स रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की। ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2017 का जो डेटा है उसके हिसाब से जो इंडिया का रैंक है इसके अंदर 37th है आउट ऑफ 130 कंट्रीज। मगर अगर एब्सोल्यूट फिगर्स में देखा जाए तो ये परसेंटेज के हिसाब से कि कितना परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर चिल्ड्रन है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज सब सहारन अफ्रीकन नेशंस में है। लेकिन अगर नंबर्स में देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज्यादा शेयर है, अराउंड 31% जो वर्ल्ड के मल्टी डायमेंशनली पुअर चिल्ड्रन है वो इंडिया में रहते हैं। ये मल्टी डायमेंशनली पुअर क्या होते हैं कि पुअर है अलग अलग डायमेंशन पे, तो 10 अलग अलग इंडिकेटर्स फाइनलाइज किए गए हैं इसके अंदर। तो ये 10 इंडिकेटर्स को 3 डायमेंशन में रखा गया है, पॉवर्टी, एडुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर इन 10 में से अगर 1/3 में भी अगर चाइल्ड लैकिंग है तो उसको फिर कमी है तो उसको फिर मल्टी डायमेंशनल पुअर माना जाए। तो ये कैलकुलेशन किया गया है। तो ये एशिया में अराउंड 49.9% आप देख सकते हैं, इंडिया में 49.9% एंड साउथ एशिया ऑल्सो ऑन एन एवरेज 49% जो चिल्ड्रन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और ये सब सहारन अफ्रीकन नेशंस के लिए काफी ज्यादा है। तो वो ही है एब्सोल्यूट फिगर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर्स में ये रहा इंडिया का स्टैंड, सेकंड नाइजीरिया, थर्ड इथियोपिया, फिर पाकिस्तान है नंबर्स में, नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन। और परसेंटेज ऑफ पुअर चिल्ड्रन पॉपुलेशन जो कंट्री का उसमें से कितने परसेंटेज चिल्ड्रन पुअर है तो वो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं यहाँ साउथ सुडान में 92.9%। ये सब अफ्रीकन नेशंस में बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर्टिफैक्ट सेट टू फ्लाई टू द यूएस। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स का, एविएटर्स का यहाँ पे डेथ हुई थी, क्योंकि अमेरिका ये जो फ्लाइट्स थी तो चाइना नेशनल एयर कॉर्पोरेशन की एयरक्राफ्ट थी ये जो क्रैश हो गई थी यहाँ पे, तो वो चाइना से फ्लाई कर रही थी टू ब्रिटिश इंडिया तो वॉर सप्लाईज लेने के लिए। तो तब ये जो क्रैशेस हुए थे उसमें चाइनीज सोल्जर्स और इवन अमेरिकन की डेथ हुई है काफी सारे, तो काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ ये फ्लाइट्स की गई थी अक्रॉस हाई ऑल्टीट्यूड अरुणाचल। तो इसीलिए जो ये प्लेन क्रैशेस हुए थे अब यहाँ पे, तो अमेरिकन सोल्जर्स जो डेड है यहाँ पे उनका रिमेन्स को वापस कंट्री में लाने के लिए यूएस में डिमांड है। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये सेकेंड बायलैटरल एक्सरसाइज ये की गई कि अभी के ये जो रिमेन्स है उनके, तो जो ह्यूमन स्केलेटन है वो सर्वाइव करता है सेंचुरीज तक, तो वो स्केलेटल रिमेन्स यहाँ से पाए गए हैं, उनको इवन कंफर्म किया गया ये जेन्युइन है। इसके अंदर इवन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जॉइंट टीम भेजी है जो वो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, प्लस ऑल्सो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो उन्होंने यहाँ पे कंफर्म भी किया है रिमेन्स को और अब इनको वापस यूएस भेजा जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, नेताजी फाइल इज नॉट क्लोज्ड सेंटर। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, तो एक आरटीआई क्वेरी की गई उनके बारे में, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से आया कि नेताजी हैज डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन 1945। तो ये कंक्लूजन है, तो ये कंक्लूजन में हैज जो यूज किया गया उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये हैड होना चाहिए, मतलब उनका निधन हो गया था। तो ये हैज ऐसे लगता है कि ये कंक्लूजन आपने निकाला है, तो गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन ये है कि ये रिप्लाई दिया गया बेस्ड ऑन कंक्लूजन बाय यूपीए गवर्नमेंट इन 2006। तो उन्होंने ये जो कंक्लूजन दिया था वही हमने दिया और वो क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि यू सेंट्रल गवर्नमेंट का एटीट्यूड काफी कैजुअल रहा जैसे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इसमें, क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स कमिटीज भी एस्टेब्लिश की गई थी ऑन हिज डेथ, तो ये डेथ काफी मिस्ट्री में रही है हम देखेंगे। तो शाह नवाज कमेटी, जीडी खोसला कमीशन, सारे मुखर्जी कमीशन जो थी उन्होंने जो
जो रीजनिंग दिए है, जो कंक्लूजन दिए, उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन यूपीए गवर्नमेंट ने लाई थी। और अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर फ्रेश एविडेंस है तो हम उसको कंसिडर करने के लिए रेडी है, नेताजी पे फाइल अब तक क्लोज नहीं हुई। तो ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये 1897 में बॉर्न हुए थे और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार। इवन अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी एस्टेब्लिश किया था इनका। और महात्मा गांधी जी का डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे क्योंकि ये बिलीव करते थे आर्म स्ट्रगल में, और महात्मा गांधी के जो जो स्ट्रगल था वो था सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे कांग्रेस में भी जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों यूथ थे तब, तो इट वॉज जवाहरलाल नेहरू हु वाज पुश्ड, मतलब उनको सपोर्ट किया गया है महात्मा गांधी। और ये डिफरेंसेस की वजह से वही रिफ्ट भी आ गया, उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दिया था, प्लस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू भी वो स्टेप्स ले रहे थे जिस वजह से उनको हाउस अरेस्ट में भी रखा गया। लेकिन 1940 में फिर वो हाउस अरेस्ट से भी भाग गए और वो जर्मनी पहुंचे, वो हिटलर से भी मिले, उन्होंने जापान से भी सपोर्ट लिया। तो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर टू में उनका उन्होंने सपोर्ट लिया, और इंडियन नेशनल आर्मी को कम्प्लीटली तैयार किया, प्लस इवन जापान के हेल्प से उन्होंने इंडिया में भी थ्रू नॉर्थ ईस्ट एंटर करने की कोशिश की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लिबरेट किया गया। तो ये स्टेप्स लिए गए थे, उनका फेमस स्लोगन जो था गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वही है, तो उनकी डेथ जो है वो मिस्ट्री में, क्योंकि 1945 में यहाँ पे उनको लास्ट एयरपोर्ट पे जो देखा गया था उसके बाद प्लेन वहां क्रैश हो गई। तो उसमें कहा जाता है, ये बिलीव किया जाता है प्लेन क्रैश हो गई तो उनकी वहां डेथ हो गई। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए इसको ये कॉन्स्पिरसी भी माना जाता है कि ये सच है या नहीं वो माना नहीं जा रहा, इसलिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, सबूत नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे वही है कंक्लूजन, अब जो गवर्नमेंट कमीशन बिठाए गए उन्होंने कंक्लूजन निकाले कि डेथ हुई या नहीं हुई थी। कई बार ऐसे न्यूज में भी आया आफ्टर सम इयर्स के जो न्यूज में आते थे कि ये नेताजी को स्पष्ट किया गया है, इस जगह पे दिखा गया है, तो ऐसे न्यूज भी आती थी। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट कीन टू रिजॉल्व एयर इंडिया इशू। तो ये एयर इंडिया को रिलेटेड हम देख रहे कई दिनों से न्यूज में आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्योंकि डेट बर्डन काफी ज्यादा है। हमने देखा था 1 जून को भी कि अराउंड 52,000 करोड़ का डेट है इनके ऊपर। तो इसमें से 20,000 करोड़ कहा जाता है कि एयर इंडिया प्रॉफिटेबल है, ऑपरेशनल प्रॉफिट है, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट से वो इतना ज्यादा बर्डन नहीं ले सकती डेट का। तो डेट बर्डन इतना अक्यूमुलेट हो गया है कि वो अब उसको सर्विस कंप्लीटली नहीं कर पा रही, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मेकिंग है। तो अगर प्राइवेटाइज भी किया जाएगा तो डेट के साथ तो कोई प्राइवेट एंटिटी भी नहीं लेगा। इवन यहाँ पे भी आर्टिकल में स्टेटमेंट्स यूज किए गए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट मिनिस्टर्स के, कोई बकरा नहीं मिलेगा इसके लिए। तो वो है, तो यहाँ पे अरविंद पनगरिया ये जो वाइस चेयरमैन है इन नीति आयोग, उन्होंने कहा है कि 4 मेन इश्यूज है जिसका रिस्पॉन्स हमको डिसाइड करना होगा, जिसको हमको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। पहला है कि क्या एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं। दूसरा है कि अगर प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो कौन पोटेंशियल बायर्स होने चाहिए, क्या सिर्फ नेशनल बायर्स अलाउ करने चाहिए, नेशनल वही बाय कर सकते हैं एयर इंडिया को कि फॉरेन एंटिटीज को भी अलाउ करना चाहिए। तीसरा है कि अगर प्राइवेटाइज होगा तो क्या सेंटर को अपना शेयर, गवर्नमेंट को अपना शेयर स्टेक रखना चाहिए एयर इंडिया में, क्योंकि एयर इंडिया नेशनल कैरियर है तो नेशनल रीजंस के लिए भी उसका इंपॉर्टेंस है, तो क्या वो रखना चाहिए या नहीं, वो क्वेश्चन। तो अगर नेशनल रीजंस है और इम्पोर्टेंट है तो प्राइवेटाइज करने का भी क्वेश्चन आता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो फाइनली वो ये है कि डेट जो है एयरलाइंस का वो इतना ज्यादा है तो इसको भी राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को इसका पार्ट ऑफ डेट टेक ओवर करना पड़ेगा कि वो उसके लिए कोई और प्रोविजन करे, वो एयर इंडिया जो भी है प्राइवेट हो या पब्लिक एंटिटी वो उसको नहीं बर्डन ले पाएगी। तो डेट राइट ऑफ होगा तो राइट ऑफ कितना होना चाहिए, क्या कंप्लीटली राइट ऑफ करना चाहिए या पार्शियल राइट ऑफ होना चाहिए, तो ये चौथा क्वेश्चन है। तो 4 इश्यूज पे डिसीजंस लेना जरूरी है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है जीएसटी काउंसिल सेट टू डिस्कस July 1 डेडलाइन। तो ये जीएसटी काउंसिल के बारे में है, तो इनकी अब मीटिंग है आज 3 जून को, तो यहाँ पे फाइनलाइज किया जाएगा जो टैक्स रेट्स थोड़े गुड्स पे बचे हैं, जैसे कि गोल्ड, बीडी, सिगरेट्स है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, तो वो फाइनलाइज किया जाएगा। प्लस ऑल्सो जो ऑलरेडी गुड्स के ऊपर टैक्स रेट्स डिसाइड किए गए अराउंड मे में, तो यहाँ पे वो गुड्स के ऊपर भी टैक्सेस के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे और डिमांड्स आ रहे, तो उनको भी रिकंसिडर करने के लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे यहाँ पे,
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। और एक पॉइंट है कि अब जीएसटी काउंसिल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मे बी डिले भी किया जाए, तो पोस्टपोन करने का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो 1 जुलाई की डेडलाइन थी, 1 जुलाई से जीएसटी इम्प्लीमेंट करना था, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये पोस्टपोन किया जाए। तो ऑफकोर्स ये मीटिंग होगी, न्यूज में आएगा, तो हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स हुए। जीएसटी काउंसिल आपको पता होना चाहिए ये बॉडी है जहाँ पे सब जीएसटी रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, रिगार्डिंग टैक्स कितना होना चाहिए वगैरह, जो बिल्स भी फाइनलाइज किए गए इनके थ्रू ही फाइनलाइज किए गए। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, तो फाइनलाइज करते हैं, फिर वो बिल्स सेंट्रल पार्लियामेंट में भी पास हुए, स्टेट बिल्स स्टेट रिलेटेड जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटर बॉडी में भी पास हुए, और फिर यहाँ पे अब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो टैक्स रेट्स फाइनलाइज करने थे वो भी जीएसटी काउंसिल ने किए। तो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इवन यूनियन सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन होता है, 1/3 वोटिंग पावर उनको होता है, और जो स्टेट्स हर एक स्टेट से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या कोई मिनिस्टर है, तो सारे स्टेट्स का टोटल वोटिंग पावर 2/3 होता है। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होना चाहिए ताकि डिस्कशंस हो, नो वोटिंग हो सके, तो वो 50% मेंबर्स है। और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वोटिंग से अगर लिए जा रहे हैं तो वोटिंग में एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। तो अब तक काफी सारे डिसीजंस कंसेंसस से भी लिए गए, मतलब सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं तो वो उसके साथ आगे गए। तो वो एफर्ट्स गवर्नमेंट के उसी तरफ थे कि कंसेंसस पैदा किया जाए। फिर ये है जीएसटी टैक्स स्लैब्स जो अभी 19-20 मई को डिसाइड किए गए। तो ये गुड्स के लिए टैक्स स्लैब्स है, तो जो टैक्स स्लैब्स फाइनलाइज किए गए थे जीएसटी में वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, और थोड़े कमोडिटीज पे 28% प्लस सेस है, और सेस भी अलग अलग परसेंटेज पे। तो इट्स नॉट 4 स्टेज या काफी सारे टैक्सेशन रेट्स अलग अलग है। तो वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का टैगलाइन है, तो वन नेशन वन टैक्स का मतलब टैक्स रेट एक नहीं है, बट अलग अलग टैक्सेस जो आप एक कमोडिटी में पे करते हैं, जो सेंटर का कोई शेयर होता है, अलग अलग टैक्स होते हैं, तो वो अलग अलग टैक्स नहीं होकर एक ही टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कि चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। जैसे सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह जो होते थे सारे टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, वो सब अब नहीं होगी, तो सब मर्ज किए गए हैं इनटू दिस वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो है वन नेशन वन टैक्स, टैक्स रेट एक नहीं रखा गया। तो ये सर्विसेज के लिए भी जो टैक्स फाइनलाइज किए गए रिसेंटली जो मई में वो दिए गए। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।